नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो जानकारी है उत्तर प्रदेश के बैंकिंग करस्पोंडेंस सखी और उत्तर प्रदेश के मनरेगा मेट के बारे में। मनरेगा मेट और मनरेगा कर्मियों को लेकर इस वीडियो में कुछ खास अपडेट देने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूं, किस तरीके से आपको यूपी इंपैक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान करवाना है। यूपी इंपैक्ट सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मनरेगा एप्लीकेशन है, जिसके तहत आप मनरेगा की एक एक जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। अगर आप मनरेगा मेट हैं तो आप अपने मानदेय को देख सकते हैं, आप अपनी नियुक्ति को देख सकते हैं, आपके द्वारा कराए गए काम की भी जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप मनरेगा कर्मी हैं तो आप कितने दिन कहाँ ड्यूटी किए हैं, किस काम को किए हैं, कब तक किए हैं, इस चीज़ की भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप मनरेगा मेट हैं तो आप यूपी इंपैक्ट एप्लीकेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए डाउनलोड करके, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको सीधे तौर पर लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं आपको यूपी इंपैक्ट के बारे में एक शॉर्ट चीज़ बता देता हूं। दोस्तों, आपको बताऊं, ये सूचना पूराघाट मऊ से निकल के सामने आ रही। कोपागंज विकासखंड सभागार में बुधवार को कृषि उत्पादन आयुक्त व अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों की महिला मेट के संवाद कर प्रतिष्ठित किया। इस दौरान नया यूपी इंपैक्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। महिला मेट मनरेगा श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति, कार्यस्थल का वातावरण आदि समस्याओं को वह एप्लीकेशन में लोड करेंगी। इससे उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। महिला मेटों का प्रशिक्षण कार्य कृषि उत्पादन आयुक्त व अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने उनके कर्तव्य बोध को साझा किया। कहा कि मनरेगा मजदूरों को कम से कम 100 दिन व अधिक से अधिक संभव हो तो 300 दिन का रोजगार दिया जाए। महिला मेट किसी प्रकार की समस्या के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी से अपनी समस्या साझा करेंगी। इस दौरान तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से सरकार अब आने वाले समय में आगे नरेगा मेट को लेके काफ़ी कुछ अनाउंस करने जा रही है। नरेगा मेट को समय पर मानदेय देने की बात भी कही जा रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग इस वीडियो में आगे चलते हैं और कुछ नरेगा मेट और नरेगा कर्मियों के बारे में अपडेट जान लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पता ही है कि किस तरीके से नरेगा के लिए नई दिहाड़ी की लिस्ट आ चुकी है। नरेगा न्यू वेज लिस्ट, यानी नरेगा वेज लिस्ट कैसे निकालें 2022 में, कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है या घटा हुआ मानदेय, पहले का मानदेय मिल रहा है। दोस्तों, मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। अकुशल कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार मिलता है। मनरेगा योजना को पारदर्शी बनाने के लिए के उद्देश्य से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसे अब आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से मनरेगा कि अपनी मजदूरी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। जैसे ही आप narega.nic.in को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको सीधा जॉब कार्ड का विकल्प मिल जाएगा। जनरेट रिपोर्ट्स, जॉब कार्ड या जॉब स्लिप, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अपने राज्य का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने ज़िले का नाम चुनना होगा। जैसे ही आप जिला, ब्लॉक और पंचायत चुन लेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ पेमेंट टू वर्कर आ जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नरेगा वेज लिस्ट आप वहां पर देख पाएंगे किस तरीके से कितना आपका मानदेय आया हुआ, कितना आपकी मजदूरी आई है, किस हिसाब से आई है, आपने कौन कौन सा काम किया है। तो सबसे पहले आपको मनरेगा की वेबसाइट narega.nic.in को ओपन करना होगा। इसके बाद जॉब कार्ड विकल्प को चुनना होगा। अब आप अपने राज्य का नाम, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट टू वर्कर विकल्प को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद रिपोर्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा। यहाँ आप अपनी वेज लिस्ट यानी दिहाड़ी, जितना आपका पेमेंट आया हुआ, जितना आपका मजदूरी आया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, और भी चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताया कि जैसे मनरेगा मेट को लेके यूपी इंपैक्ट एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, तो यूपी इंपैक्ट एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आप अभी तक मनरेगा मेट के लिए आवेदन भी किए हैं तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके गांव में चल रहा है, आपके गांव में कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है, किस काम के लिए कितना पैसा आया, इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए। एक अच्छे भारत के नागरिक बनने के लिए आपको अपने आस पड़ोस में जो भी विकास हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आपके गाँव घर में प्रधान के द्वारा कराया गया काम
बिल्कुल ज़ीरो लेवल का हो लेकिन पैसे वो पूरे ले रहे हों, तो इन सभी चीज़ों को लेके आप शिकायत भी कर सकते हैं उस यूपी इम्पैक्ट जो एप्लीकेशन है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको वहाँ सारी डिटेल आपके ग्राम पंचायत की मिल जाएगी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर आप मनरेगा में हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आप अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को 100% ईमानदारी से करते हैं, सरकार द्वारा बताए गए नियम और कानून का पालन करते हैं, तो आपका मानदेय एक न एक दिन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव ने यूपी इम्पैक्ट और तमाम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, मनरेगा को भी लेके बजट में काफ़ी ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। इसको देखते ही आने वाले समय में मनरेगा को लेके काफ़ी कुछ मिलने वाला है। निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल की वीडियो को बहुत पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।